हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिस पर संपूर्ण विश्व की निगाह लगी हुई है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तो अब ये डिसाइड हो गया है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अमेरिका का अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। उन्होंने 538 जो इलेक्टोरल सीटें हैं उसमें 270 के जादुई आंकड़े को छू लिया है, या 270 के जादुई आंकड़े को भी पार कर लिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट जो है वो जीतने के लिए चाहिए होते हैं, जो कि जो बाइडेन साहब ने प्राप्त कर लिए हैं। अब आपको एक बात बताएं कि उन्होंने पराजित किसे किया है। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया है। अब एक बात क्या आती है कि जो बाइडेन जो है वो किस पार्टी के प्रत्याशी थे। तो जो बाइडेन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी थे, जबकि निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी थे। 3 नवंबर को हुए आम जनता के मतदान में वैसे तो कई राजनीतिक दल चुनाव मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला जो था वो रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में ही था। अब जो बाइडेन जो चुने गए हैं वो पहले भी क्या किसी पद महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। तो जो बाइडेन जो है वो वर्ष 2008 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुने गए थे, अर्थात इससे पहले वर्ष 2008 में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने थे। किस तब राष्ट्रपति कौन थे? तो वर्ष 2008 में राष्ट्रपति बराक ओबामा चुने गए थे। अब यहां पे मैंने एक लाइन और मेंशन करी है कि वह इस पद पर निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्थान 20 जनवरी 2021 से लेंगे। तो ये क्या हुआ कि भाई 20 जनवरी 2021 को ही क्यों लेंगे? वो चुने तो नवंबर में गए हैं, नवंबर 2020 में चुने गए हैं, और ये हो भी गया है कि वही अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। तो फिर 20 जनवरी 2021 से क्या मतलब है? तो मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की तिथि जो है वो अमेरिका के संविधान में 20 जनवरी निर्धारित है। इस पॉइंट को दोबारा भी ध्यान से समझ लीजिए। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए अमेरिका के संविधान में 20 जनवरी की तिथि जो है वो निर्धारित है। इसलिए जो बाइडेन जो है वो 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, और उनके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस जो है वो उपराष्ट्रपति का पद की शपथ लेंगे। अब एक बात तो आपको ये बता दें कि जैसे ये दो पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला था, किस किस पार्टी के बीच में? डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में और रिपब्लिक पार्टी के बीच में। तो इनका चुनाव चिन्ह क्या था? तो यहां मैं लिख देता हूं डी। डी से मतलब डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का जो चुनाव चिन्ह था वो था गधा। इसका चुनाव चिन्ह है गधा। और रिपब्लिक जो पार्टी है उसका, रिपब्लिक पार्टी को मैं आर से मेंशन कर देता हूं, और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था हाथी। अब आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कई वर्षों पूर्व की बात है कि जब डेमोक्रेटिक ने चुनाव लड़ा था तो लोगों ने उन्हें गधा गधा या गधा पार्टी कहना चालू कर दिया था। तो डेमोक्रेटिक ने क्या अपनी पॉलिसी बनाई कि हम अपना चुनाव चिन्ह गधा ही रख लेते हैं, तो ये जब गधा गधा कहते हैं तो हमारे गधे के नाम से हमारी पार्टी का और ज्यादा प्रचार होगा। और इसी तरह रिपब्लिक पार्टी ने हाथी अपना चुनाव चिन्ह क्यों रखा था? क्योंकि बहुत समय पहले क्या हुआ था कि अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, तो उसे रिपब्लिक पार्टी ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो उन्होंने यह किया था कि भाई हम हाथी की तरह शक्तिशाली हैं, जो हमने गृह युद्ध को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो अपना चुनाव चिन्ह हाथी कर दिया था। अब एक बात और बताते हैं कि जो बिडेन जो है वो उनका जन्म कब हुआ था। तो जो बिडेन का जो जन्म है, यहां पे मैं जो बिडेन लिख देता हूं, जो बिडेन, और यहां लिख देता हूं जन्म। इनका जन्म जो है वो 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया में
अब यहां पर हम बात करेंगे कमला हैरिस की। कमला हैरिस ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। कैसा रिकॉर्ड बनाया है? कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारतवंशी भी हैं और वो पहली एशियाई मूल की अमेरिकी राष्ट्रपति बनी है। इसलिए ये प्रश्न, ये कमला हैरिस का जो पॉइंट है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, पहली एशियाई अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति हैं। और इनसे संबंधित और आवश्यक जानकारियां आपको बता दूं कि कमला हैरिस की जो मां थी वो भारतीय मूल की थी, भारत की थी। कमला हैरिस की जो मां थी वो चेन्नई की थी और कमला हैरिस के जो पिता थे वो जमैका के थे। तो ये क्या हुई, ये भारत भारत और अफ्रीकी मूल के माता पिता की संतान है। और इनका जन्म कब हुआ था? कमला हैरिस का जन्म जो है, कमला हैरिस का जो जन्म है वर्ष 1964 में, 1964 में कैलिफोर्निया की कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उनका जन्म जो है वो 1964 में कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। यहां आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि जैसे मैंने ये बताया कि वो 20 जनवरी 2021 को ही उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, तो ये भी बता दें कि अमेरिका में जो है वो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है, उसी तरह अमेरिका में उससे भी ज्यादा जो है वो राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है। अमेरिका, भारत में क्या होता है कि अगर भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देगा या उसका बहुमत कम रह जाएगा तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो 4 साल तक उसे कोई अपने पद से हटा नहीं सकता है। केवल मृत्यु की स्थिति में या वो इस स्थिति में ना हो कि वो काम कर सके तब ही वो अपने पद को छोड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत में प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है और उसका 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन निश्चित नहीं है कि वह 5 साल तक कार्य करे ही करे। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है अगर एक बार चुन लिया गया तो 4 साल तक उसे कोई नहीं हटा सकता है। हालांकि अमेरिका के संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया है और महाभियोग जिसे इंपीचमेंट भी कहते हैं उसके द्वारा वहां पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सका हो। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि 4 साल तक वह वहां का राष्ट्रपति बना रहेगा। अब बातें आती हैं हम उपराष्ट्रपति की। भारत में स्थिति क्या है कि अगर भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है तो कुछ समय के लिए, कार्य थोड़े से समय के लिए उप भारत में जो है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार अस्थाई रूप से संभाल लेता है। तब तक कार्य करता है जब तक कि नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है। लेकिन अमेरिका में इसके विपरीत बिल्कुल उलट स्थिति है। यहां तो टेम्परेरी तौर पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है जब तक कि नए राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में यह होता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ हो और वह त्याग, तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति जो होगा वो परमानेंट रूप से राष्ट्रपति हो जाएगा। वह कार्यकारी नहीं रहेगा, वह परमानेंट राष्ट्रपति हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये बताया कि वहां दो मुख्य पार्टियां हैं, तो आपको एक बात ये बता दें कि जो भारतीय मूल के लोग हैं या भारतवंशी के लोग हैं उनका झुकाव जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जो बाइडेन जो बने हैं उनकी तरफ अधिक रहता है। मतलब भारतीय मूल के लोगों का झुकाव जो है वो जो बाइडेन की ओर रहता है। और अब की बार लेकिन क्या हुआ था चुनावों में, अब की बार चुनाव में क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय मूल के मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। उन्होंने हाउडी मोदी का कार्यक्रम
अमेरिका में आयोजित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। यह कार्यक्रम ह्यूस्टन में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य जो मुख्य रूप से था वो भारतीय मूल के मतदाताओं को रिपब्लिक पार्टी की ओर लुभाना था। और एक बात आपको क्या बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए यह जो चुनाव था वो नया संविधान लागू होने के पश्चात 59वां चुनाव था। तो यह भी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि यह संविधान लागू होने के पश्चात कौन से क्रम का था, 59वां चुनाव था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो होता है वो चार चार वर्ष के अंतराल पर होता है, जैसे 2008 में हुआ, 2012 में हुआ, 2016 में हुआ और 2020 में हुआ। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो हम भारत की तरह नहीं कहते कि पांच वर्ष में, भारत में पांच वर्ष में होता है लेकिन अमेरिका में चार वर्ष में होता है। अब अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आम जनता का मतदान 2 से 8 नवंबर के बीच पड़ने वाले मंगलवार के दिन ही होता है। जब 4 साल बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो यह बिल्कुल निश्चित है कि वह 2 नवंबर से, जिस साल में भी चुनाव होगा, तो 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में जो भी मंगलवार पड़ेगा, उसी पहला मंगलवार जो पड़ेगा 2 से 8 नवंबर के बीच में, उसी मंगलवार को जो है वो अमेरिका में आम जनता मतदान करेगी। और इस बार 2020 में 2 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य जो मंगलवार का दिन था वो 3 नवंबर का था, इसलिए इस बार जो मतदान है वो 3 नवंबर को हुआ। और वर्ष 2016 में क्या था कि वर्ष 2016 के चुनाव में 2 से 8 नवंबर के मध्य मंगलवार जो था वो 8 नवंबर का पड़ा था, इसलिए वर्ष 2016 के चुनाव में 8 नवंबर को मतदान हुआ था। और वर्ष 2020 में 2 से 8 नवंबर के बीच में 3 नवंबर को मंगलवार पड़ा था, तो उस दिन ये मतदान हुआ। अब एक बात, ये जो चुनाव हुआ है इस चुनाव हेतु राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चयन भी फरवरी जून के दौरान सभी राज्यों में प्राथमिक मतदान के द्वारा मतदाताओं द्वारा ही किया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जिस साल चुनाव होता है उस साल फरवरी जून के दौरान ही मतदान जो है वो सभी राज्यों में प्राथमिक मतदान के द्वारा ही मतदाताओं द्वारा प्रत्याशियों का चुनाव कर लिया जाता है। अब आते हैं मतदान के दिन की। मतदान के दिन आम मतदाता 50 राज्यों व वाशिंगटन डीसी से निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव ही करते हैं, अर्थात मतदान के दिन आम मतदाता जो है वो टोटल 51 राज्य के, 51 कहले राज्य, उसमें 50 वैसे और प्लस वाशिंगटन डीसी से 538 सदस्यीय निर्वाचक मंडल का ही चुनाव करते हैं। और निर्वाचक मंडल के कुल 538 मत अलग अलग राज्यों के लिए विभाजित हैं, मतलब जो टोटल 538 इलेक्टोरल वोट हैं वो उनका जो है विभाजन अलग अलग राज्यों में किया गया है। जैसे कि कैलिफोर्निया में सर्वाधिक जो है वो 55 मत हैं, जबकि वाशिंगटन डीसी में 12 मत हैं। यही पॉइंट मैंने इसमें लिखा हुआ है कि 538 जो मत हैं टोटल जो अलग अलग राज्यों में विभाजित हैं उसमें से 55 मत कैलिफोर्निया से है और वाशिंगटन से मतों की संख्या 12 है। किसी भी राज्य के सभी मत एक ही उम्मीदवार के लिए जाते हैं। इसका इसे मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं कि किसी भी राज्य के जो वोट हैं वो एक ही उम्मीदवार के लिए किस तरह से जाते हैं। जैसे कि किसी राज्य में अगर 20 लाख वोट पड़े हैं, अगर किसी राज्य में मान लें कि 20 लाख वोट पड़े हैं और किसी को भी अगर 10 लाख एक वोट भी मिल जाता है तो उस वहां की जो सारी सीटें हैं वो उसी उम्मीदवार को चली जाएगी। किसी भी राज्य के सभी मत एक ही उम्मीदवार के लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है निर्वाचक मंडल में मतदान दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के पश्चात आने वाले पहले सोमवार को होता है। इस वर्ष यह दिन 14 दिसंबर 2020 को होगा। इस पॉइंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना भी जरूरी है। क्या क्या समझना जरूरी है कि ये हमें पढ़ने में तो कुछ अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
जैसे अभी हमने क्या कहा कि जो बिडेन जो है वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। तो जो बिडेन जो है वो जीतने के बाद भी निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित नहीं किए गए हैं। क्या बताया, जो बिडेन जो है वो जीत गए हैं लेकिन तभी भी उन्हें निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अमेरिका की जो संविधान व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या होता है कि ये निर्वाचक मंडल के जो 538 सदस्य हैं ये जो है मतदान करते हैं, और फिर वो मतदान हालांकि औपचारिक होता है, वो मतदान केवल एक फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन वो एक मतदान करते हैं और उस मतदान के बाद ही वो घोषणा करते हैं कि वो ये व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बना है और ये जो है वो उपराष्ट्रपति बना है। और इसका दिन कैसे डिसाइड होता है, जैसे मैंने अभी क्या बात कही, जीतने के बाद भी वो निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित नहीं किए गए हैं क्योंकि वहां की संविधान व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचक मंडल अभी एक चुनाव और करेगा। जो 538 सदस्यीय निर्वाचक मंडल जो है वो अभी एक चुनाव और करेगा और वो चुनाव 14 दिसंबर को होगा और उसी 14 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। तो ये दिन 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर की तिथि जो है, या 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर क्यों डिसाइड किया गया है, तो ये 14 दिसंबर इसलिए डिसाइड किया गया है कि वहां पर जो व्यवस्था है उसके अनुसार दिसंबर माह के दूसरे बुधवार, दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद जो पहला सोमवार पड़ेगा, दो तो बुधवार हो जाने दीजिए, पहला और दूसरा, और उस दूसरे बुधवार के बाद जो पहला सोमवार होगा उसमें निर्वाचक मंडल के सदस्य जो है वो चुनाव करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव मतदान करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे। तो उसमें अब की बार जो है वर्ष 2020 में दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद जो पहला सोमवार है वो 14 दिसंबर को पड़ रहा है, तो 14 दिसंबर को जो है वो विधिवत रूप से या कानूनी रूप से घोषणा हो जाएगी कि जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे और जो बिडेन और कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी। यहां बात एक बात और फिर से बता दें आपको कि जो बिडेन का जन्म जो है वो पेनसिल्वेनिया के स्क्रेंटन में हुआ था। अब आपको 2016 के चुनावों का विश्लेषण बता दें कि इससे पहले जब 2016 के चुनाव हुए थे तो उसमें 51 राज्य, जैसे 50 राज्य प्लस वाशिंगटन डीसी में जो था 30 पर डोनाल्ड ट्रंप की, जबकि 21 पर जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की बढ़त रही थी। एक बात आपको और इंपॉर्टेंट बता दें कि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। आगे फिर मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।